हेलो गाइस, आई एम समीर खान फ्रॉम भोपाल भोपाल रिस्टोरेशन। और ये जो बाइक अभी आप सामने देख रहे हैं, ये बाइक बनी है डॉक्टर भूषण अहिर के लिए। और ये है मुंबई उल्लासनगर से। और ये बाइक चारों तरफ से आप देख सकते हैं, अभी ये पूरी फाइनल नहीं हुई है, गाड़ी में कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, इसलिए गाड़ी अभी खड़ी हुई है। और हो सकता है कल फाइनल करके फिर हम इसका फाइनल वीडियो आपको दिखाएंगे। और जितनी भी अभी कंप्लीट हुई है वो उसका मैं रिव्यू देने के लिए पूरा वीडियो बनाया है कि किस किस की गाड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। और ये आप यहाँ का इंजन का कलर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ है मैट फिनिश के अंदर। और ये शाइनिंग भी आप पूरी यहाँ से देख सकते हैं, आपको कोई कमी नहीं नज़र आएगी गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्री कॉल का मीटर यूज़ हुआ है बाइक में, ओरिजिनल मीटर है। और पूरी टोटल मैट ब्लैक के अंदर ये बाइक रेडी हुई है, न्यू ब्रांड पेडीपैक सीट है बाइक के अंदर। उसके बाद मिंडा की एसेसरीज लगी हुई है पूरी, न्यू ब्रांड पेडीपैक ये टायर यूज़ हुए हैं। अभी ये पूरी गाड़ियाँ वॉश होंगी, पॉलिश होंगी, इनकी जनरल सर्विंग प्लस इसकी ट्यूनिंग वगैरह सब कम्प्लीट करके हम आपको इसकी फाइनल वीडियो जल्दी सामने लेकर आएंगे। और ये मंडे या ट्यूसडे को पूरी फाइनल होके और ट्रांसपोर्ट होगी गाड़ी, और इसका पूरा फाइनल वीडियो और फोटो शूट होने के बाद सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप खुद बताएंगे इस गाड़ी के अलावा और कौन कौन सी गाड़ियां बन रही हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक बाइक ये आपके सामने कंप्लीट अभी खड़ी हुई है, इस गाड़ी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी छोटी मोटी हैं, जो अपन आज रात में फाइनल कर देंगे। पूरी डे नाइट काम चलता हमारे इधर। और ये गाड़ी जो है अपने काला राम जी हैं, राजस्थान से हैं, बीकानेर से, उनके लिए बनी है ये गाड़ी। और ये बाइक के अंदर आप चारों तरफ से देख सकते हैं मडगार्ड की लाइन लैब प्लस 50 mm का टायर, 72 स्पोक्स, टोटल ऑल बफिंग पे बाइक बनी हुई है। अभी ऑयल ग्रीस के हाथ लगे हुए हैं, इसलिए बाइक के अंदर आपको वो चमक नज़र नहीं आ रही जो हमारी हर गाड़ियों में आती है। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा बफिंग का काम है, इस पर ऑयल हो रहा है अभी, जो फिटिंग के टाइम पर हाथ लग जाते हैं। बाकी कलर की क्वालिटी आप देख सकते हैं बाइक की, और चारों तरफ से आप यहाँ पे भी नज़र दौड़ा सकते हैं। साइलेंसर ओरिजिनल 6 होल यूज़ हुआ है, रिपेयर करा हुआ है, पुराना साइलेंसर जो ओरिजिनल बाइक के साथ आता था वो है। गैब्रियल के शॉकअप यूज़ हुए हैं बाइक में, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 72 स्पोक्स के अंदर JKMRF वाले जो ओरिजिनल टायर हम हर गाड़ी में यूज़ करते हैं वही लगा हुआ है। ब्रेक लाइट बची हुई गाड़ी की, बाकी टोटल ऑल सारा काम हो चुका है। न्यू ब्रांड पूरी की पूरी इसके अंदर आपको वायरिंग और नट बोल्ट नज़र आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ों में बारीकी से आप नज़र दौड़ा सकते हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है बाइक में, फिर भी आप लोगों को ज़रूर नज़र आएगी कमियाँ, और मैं चाहता हूँ आप हमारे काम में कमी निकालें जिससे हम काम को और बेहतर कर सकें। और साथ ही में फिर से एक चीज़ और रिपीट करूंगा मैं, ये देखिए आप, इसमें भी प्रीकॉल का मीटर लगा हुआ है बाइक में, और साथ में ही गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनलिटी के ऊपर बनी हुई है। छोटे मोटे चेंजेस किए हैं बाइक में जिससे बाइक और लग्जरी नज़र आए, चलने में भी मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा। स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बाइक का, और इसका फाइनल वीडियो भी आपके सामने कल आने वाला है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर अपन आते हैं, ये जो बाइक है आप देख सकते हैं, हमारे श्रीनाथ भाई है, ये अकोला से है, महाराष्ट्र से, और ये अपने क्राइम ब्रांच से हैं। और इनकी बाइक बनने आई थी, आपको याद होगा 1.4 चेचिस और इंजन आया था, तो इनकी भी पूरी बाइक कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ कल इसको फाइनल एक वीडियो बनेगा इसका, जिसमें इसके पूरे टंकी, पैनल, मडगार्ड और जो भी चीज़ें इसमें कम नज़र आ रही हैं वो सारी लगेंगी। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है बाइक के अंदर, 72 स्पोक्स है, वही पतला वाला टायर जो हम हमेशा से लगाते हैं, ओरिजिनल आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा फ्रंट मडगार्ड। साथ में ही गाड़ी में आपको ओरिजिनल लेग गार्ड, साथ में ही पूरी गाड़ी के ऊपर आपको बफिंग और प्लेटिंग नज़र आ रही होगी, सारा ओरिजिनल पार्ट्स लगा है। हाफ चेन कवर वो भी क्रोम में, साथ में 72 स्पोक्स के अंदर ये आप देख सकते हैं एल व्हील बना हुआ है, साथ में आपको ओरिजिनल जेके का टायर नज़र आ रहा होगा। बाइक में टोटल ऑल प्लेटिंग है, प्लस हमने गाड़ी के अंदर ये गैब्रियल के ओरिजिनल शॉकअप यूज़ किए हैं। सारी टोटल सारे पूरे सामान के ऊपर आपको कलर क्वालिटी दिख ही रही होगी, जो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, फिनिशिंग आपको नज़र आ रही होगी। और उसके अलावा गाड़ी नेम मेड इन जापान ये सेंटर में दिया हुआ है, बहुत कूल लगती है इससे बाइक। मीटर आपको प्रीकॉल का दिख रहा होगा इसमें, और लाइन लेवल में आपको गाड़ी की चेक करा देता हूँ। ये टायर है, सेंटर चेक कर सकते हैं पूरा। और उसके अलावा बाइक के अंदर ये देखिए, यहाँ पर मिंडा की लाइट, मिंडा के इंडिकेटर्स, ओरिजिनल पायलट लैंप, ओरिजिनल लॉक सेट, डिस्क ब्रेक सेटअप, पूरा न्यू ब्रांड पेडीपैक। उसके अलावा अपन आते हैं तीसरी बाइक पे, ये बाइक बनी है प्रेम गहलोत राजस्थान से, ये रहने वाले बेंगलोर के हैं, जॉब वहीं करते हैं, घर इनका राजस्थान में है, गाड़ी भी इन्होंने राजस्थान से ही पहुंचाई थी। इनकी बाइक पूरी बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है, ज़बरदस्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रेड 3D के ऊपर बिल्कुल रेड रोज़ बन रही है।
उसके अलावा बाइक के अंदर फ्रंट में वही पतला वाला टायर है, बस डिस्क ब्रेक असेंबली और फ्रंट मडगार्ड और इंडिकेटर लाइट यही सब बचा हुआ है। गाड़ी रात में पूरी फाइनल कर दी थी। 6 होल साइलेंसर यूज़ हुआ है गाड़ी के अंदर। ओरिजिनल G4 का ब्लॉक लगा हुआ है, सैंड ब्लास्टिंग करा हुआ है, मेड इन जापान कार्बोरेटर है, ओरिजिनल फिल्टर है, फिल्टर कभी नया नहीं डालते। बाकी सारे सामान के ऊपर प्लेटिंग करी है अपन ने। उसके अलावा आप अगर नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो इसके अंदर एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, गैब्रियल के शॉकअप। उसके बाद पेंट जॉब ज़बरदस्त है, सैंड ब्लास्टिंग के साथ हुआ है। उसके बाद आप इसमें इंडिकेटर देख सकते हैं मिंडा के। उसके बाद आप आते हैं अगले नेक्स्ट लेवल पे, मिंडा की ब्रेक लाइट है, पूरा असेंबली एसेसरीज टोटल ऑल सब बेहतरीन है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अगर बारीकी से देखेंगे तो इसके अंदर ये बारीक बारीक जो निपल्स नज़र आ रहे हैं ये सारे गोल्डन कलर के हैं। और नीचे ये, क्योंकि कुछ लोग प्लेटिंग करवा देते हैं आगे चल के उसके अंदर जंग आने लगता है, तो मेरे हिसाब से नहीं कराना चाहिए, बाकी सबका अपना अपना टेस्ट है। शॉकअप के अलावा थोड़ा सा तिरछे पे नज़र मारेंगे जेके का पीछे टायर। ये टायर हम हमेशा गाड़ियों में इसलिए डालते हैं, ग्रिपिंग बहुत प्यारी आती है, स्मूथ ड्राइव हो जाती है, वाइब्रेशन नहीं होता है। और फ्रंट वाला जो पतला टायर हम यूज़ करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह, जब आप गाड़ी की कटिंग करते हैं जैसे साइड में तिरछा होकर चलाएंगे तो गाड़ी की कटिंग बहुत स्मूथ हो जाती है, राइड बहुत स्मूथली रहती है। और ये टायरों में सबसे अच्छी बात यह कि कंपनी यामा जब आई थी हमारे पास मार्केट में तो उन्होंने यही टायर दिए थे और हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशन करा है, तो जिससे ये बफिंग करवाने का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि गाड़ी के कलर को मेंटेन नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आप वॉश करेंगे काफ़ी है, इतना गाड़ी चमक जाती है पूरी की पूरी। उसके अलावा ब्लॉक के ऊपर सैंड ब्लास्टिंग करवाना इसलिए अच्छा होता है, कलर करेंगे पपड़ी बन के एक टाइम पर निकल जाता है और फिर वो बहुत ही भद्दा लगने लगता है, और इसीलिए हम लोग हमेशा बफिंग करवाते हैं, सैंड ब्लास्टिंग करवाते हैं, नट बोल्ट टोटल नए यूज़ करते हैं। उसके अलावा गाड़ी में कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सके फिनिशिंग से वर्क कर पाएँ, और स्ट्रोक के ऊपर बहुत खास ध्यान रहता है, और क्लच के ऊपर गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। और उसके अलावा ये RD 350 का हैंडल यूज़ करा है, जिससे अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं बाइक में तो आपको बहुत कम्फर्ट लगे और आप बिल्कुल ना थकें, तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसके आगे अपन बढ़ते हैं हमारी हीरो होंडा SS CD 100 पे। इसमें भी आपको मैं बता दूं कि हमने यहाँ पे प्लेटिंग करवाई है, यहाँ पे बफिंग करवाई हुई है, सेंटर में बफिंग करवाई है, ओरिजिनल कार्बोरेटर है, गाड़ी में ओरिजिनल ही कलर हुआ है। सारे सामान को बारीकी से अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ें आपको बहुत फिनिशिंग से नज़र आएंगी। अभी नया साइलेंसर यूज़ होगा, सिर्फ साउंड सुनने के लिए हमने इसमें पुराना लगाया हुआ है। इसमें भी 72 स्पोक्स है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं निकल वाला ओरिजिनल मडगार्ड, ओरिजिनल ब्रेक लाइट, ओरिजिनल इंडिकेटर्स। उसके अलावा नट बोल्ट भी ओरिजिनल है, ओरिजिनली सस्पेंशन यूज़ हुआ है। और फ्रंट में अगर आप आएंगे तो CD 100 में शायद आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं कि इसमें डिस्क ब्रेक ही लगने वाले हैं, और डिस्क ब्रेक लगने के बाद 72 स्पोक्स फ्रंट में बहुत कूल होगा, और LED हेडलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सारी बाइकें आपने देखी हैं, और इन सारी बाइकों के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई कमी नज़र आती है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इस हफ्ते मैं आपको 10 गाड़ियां देने वाला हूं। ये हफ्ते की स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने आपको 1, 2, 3, 4 ये गाड़ियाँ दिखा दी हैं, और उसके अलावा जो नई गाड़ियों की फ़िटिंग लगने वाली है उनके ये टायर और सामान वगैरह सब रखा है, कार्बोरेटर सारी चीज़ें रेडी हैं। कुछ गाड़ियाँ खुलने वाली हैं, कुछ गाड़ियाँ फ़िटिंग होने वाली हैं, कुछ गाड़ियाँ फ़ाइनल होने वाली हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं आपको बहुत ही जल्द कुछ नई गाड़ियों की अपडेट देने वाला हूँ, जो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। और इतना जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।